हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरीज। आज मैं बना रही हूँ कुकम्बर चाट। बनाने में ये बहुत ही आसान है और ये हेल्दी भी है, आप इसे ज़रूर एंजॉय करें। आइए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने दो खीरे ले लिए हैं, कुकम्बर जिन्हें हम कहते हैं, और इन्हें मैंने अच्छे से धोकर पोंछ कर रख लिया है। एक आलू है, इसे मैंने बॉइल कर लिया है। हरी चटनी है, खट्टी मीठी इमली की चटनी है, पनीर है और हरा धनिया। सबसे पहले हम आलू को छीलकर इसके छोटे छोटे पनीर की तरह पीसेस कर लेंगे, जैसे हमने पनीर के पीसेस किए हुए हैं। देखिए इस प्रकार से, इसी तरह से हमें आलू के छोटे छोटे पीसेस करकर एक बाउल में रख लेना है। देखिए इस तरीके से। अब हम सबसे पहले फिलिंग तैयार करेंगे, उसके लिए हम 1/4 कप आलू के पीसेस, 1/4 कप पनीर के पीसेस बारीक बारीक कटे हुए, और 1 टेबल स्पून फुल हरा धनिया लिया है मैंने, 1 टीस्पून हरे धनिया की चटनी, 1 टीस्पून इमली की खट्टी मीठी चटनी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 कप लाल टमाटर, 1/4 टीस्पून सादा नमक, 1 चम्मच नींबू का रस और 1/4 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिए। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कुकम्बर में फिल करने के लिए फिलिंग रेडी हो गई है। आप देखिए हमें खीरा को किस तरीके से काटना है। एक खीरा पर हम निशान लगा लेते हैं, उसके हमें 3 पार्ट करने, उसके लिए मैंने निशान लगा दिए। अभी हमें सीधी कट नहीं करनी है, सिर्फ हमने मार्किंग किया है। और देखिए अब मैं इसे कैसे कट कर रही हूँ। ज़िगज़ैग स्टाइल में हमें चाकू को कुकम्बर पर लगाते जाना है इस तरीके से, और खीरा कट जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें खीरा को कट करना है। जो निशान हमने लगाए थे उस निशान पर ही हमें चाकू को ज़िगज़ैग स्टाइल में चलाते जाना है। इस तरीके से ज़िगज़ैग स्टाइल में कट लगाने हैं। अगर आपको खीरा को उस तरीके से काटने में परेशानी हो तो आप खीरा को सीधे 3 भागों में भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से खीरा कटकर रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर शेप आई है। सेम इसी तरीके से हमें जो ऊपर हमने निशान लगाया था उसे भी कट कर लेना है। इस तरीके से हमारे पास 3 कुकम्बर के पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हमें इसमें फिलिंग करनी है, इसलिए हम इसके अंदर वाला पार्ट चाकू की सहायता से धीरे धीरे निकाल लेंगे। थोड़ा सावधानी से करें, खीरा नहीं टूटनी चाहिए, और हमें इसे अंदर से पूरा खाली कर लेना है। देखिए इस तरीके से बाकी के दोनों पीसेस को भी हमें इसी तरीके से खाली कर लेना है। दूसरी जो खीरा है उसे हमें ज़िगज़ैग स्टाइल में ही कट करना है, लेकिन इस प्रकार से कट करना है। देखिए हॉरिजॉन्टल स्टाइल में ये खीरा को हमें कट करना है। दोनों साइड से हमें इसे कट लगाने और उसको अंदर से फिलिंग करने के लिए सारे बीज वगैरह निकाल कर रख देने। इस प्रकार से दोनों तरफ से खीरा को इस तरीके से कट कर लिया था और अंदर से इसको खाली कर लिया है फिलिंग करने के लिए। अब जो फिलिंग हमने रेडी की थी उस फिलिंग को हमें इसमें फिल कर देना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी शेप में कट करना चाहें वैसे कट कर सकते हैं, टेस्ट तो वही आना है। दोनों तरह के शेप मैंने आपको बता दिए हैं, बनाना बहुत ही आसान है। देखिए मैंने दोनों तरह से जो शेप रेडी किए थे उन्हें फिल कर लिया है। उसके बाद हम गार्निशिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने उस पर से हरे धनिया की चटनी, और खट्टी मीठी इमली की चटनी दोनों ऊपर से लगा दिए। अब हरे धनिया की बारीक पत्तियों को हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, और सबसे लास्ट में हम पनीर ग्रेट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पनीर हम सारी चाट पर अच्छे से ग्रेट कर देंगे। ऊपर से पनीर ग्रेट कर देने से कुकम्बर चाट की सुंदरता एकदम बढ़ गई है, और टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा। देखिए
चाट एकदम सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच के साथ कभी भी सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चाट है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।